सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सरकार के लिए चिंता खड़ी कर रही है इस देश की वर्जिन लड़कियां, जाने पूरा माजरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी कभी बात की जाती है कि लड़का या लड़की वर्जिन है या नहीं, तो यह उनकी पसंद पर निर्भर करता है। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ की वर्जिन लड़कियाँ सरकार के लिए चिंता का कारण बन रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। इस देश में वर्जिन लड़कियों की संख्या बढ़ गई, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। बड़ी आबादी वाला देश है जहाँ की लड़कियाँ वर्जिन रहना अधिक पसंद करती है, जिसके चलते जापान की जनसंख्या वृद्धि में बड़ा बदलाव आ गया है। परेशानी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ की सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस परेशानी से निपटने के लिए जापान सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई है, जहाँ सरकार इस तरह की शादी के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब यहाँ के युवाओं से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उनके पास शादी के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि वह काम में इतने बिजी हैं। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वे में पाया गया कि यहाँ 18 से 34 साल की उम्र वाले 70% अविवाहित पुरुष और 60% अविवाहित महिलाएं हैं, जिनको शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर 42% पुरुष और 44.2% लड़कियाँ वर्जिन हैं, जिनकी उम्र 20 से 40 के बीच है। इसके चलते वहाँ की सरकार ने कई तरह की स्कीम निकाल रखी है, जहाँ शादी करने पर वह इन लोगों को पैसा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।